अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप अपनी पिक्चर्स को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी मज़े की वीडियो है, आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप, अच्छा एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही एक प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है कि जिसको हम यूज़ करेंगे और बिल्कुल बेसिक सा ये सॉफ्टवेयर है कि इंतहाई ईजी है यूज़ करने के लिए। वैसे इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं कि हम, लेकिन हम सीखेंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलें ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को। हम सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटोज़ को आप ऑन करेंगे। ये फोटोज़ इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने वीडियोज़ बनानी है तो हम वीडियो प्रोजेक्ट्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो हमने एक नई वीडियो क्रिएट करनी है तो ये न्यू वीडियो का साइन है जिसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वीडियो आएगी और वो पूछेगा कि इसका नेम हम क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेम ईशान रखता हूँ। ओके प्रेस करेंगे और ये हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पिक्चर्स, उसको इंसर्ट करेंगे। ये ऐड का बटन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे और इस पीसी के अंदर जो कुछ पिक्चर्स सेव हैं जो कि हम यहाँ पर इंसर्ट करने लगे। जैसे मैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप की मर्जी है कि आप कितनी पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं। इस तरह से पिक्चर्स ऐड हो गई। उसके बाद आप इसको, ये स्टोरी बोर्ड, यहाँ पर आपको ये तमाम पिक्चर्स ऐड करनी पड़ेगी। आप वन बाय वन भी कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप इकट्ठी भी इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर तमाम पिक्चर इंसर्ट हो जाएंगी। फर्स्ट पिक्चर पर आप राइट क्लिक करें और ऐड टाइटल, अगर आप यूज करना चाह रहे हैं टाइटल। टाइटल को राइट क्लिक करें और एडिट प्रेस करें क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं तो हम सबसे पहले इसके ऊपर कुछ लिख लेंगे। जिस टॉपिक के बारे में आप उन पिक्चर्स को कन्वर्ट करेंगे आप उस टॉपिक का नेम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक बेबी पिक्स ली है तो मैं सिंपल नेम लिख दूंगा। यहाँ से आप इसके फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। यहाँ अगर आप चाहें तो इसकी बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो आप ये कर लें, अदरवाइज ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आप किसी को भी क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर डन का बटन आप प्रेस करेंगे ये हमारे सामने एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अच्छा पिक्चर्स तो हमारी ऐड हो चुकी हैं, अगर हम यहां पे भी इसको प्ले करते हैं तो ये हमारी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हम कुछ इफेक्ट्स अगर ऐड कर लें तो पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और जो हमारी इन पिक्चर्स से वीडियो बनेगी वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पिक्चर को क्लिक करें या पहले टाइटल को क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देते हैं। वैसे तो बेशुमार बैकग्राउंड म्यूजिक है, फिलहाल हम कोई भी सैंपल हम कोई भी ले लेते हैं। यहां पर इसको डन करें, ये ऐड हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट पिक्चर को क्लिक करें और यहां पर इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें पिक्चर ओपन हो गई है तो ये हमें राइट साइड के ऊपर अगर आप ड्रैग करें तो ये हमें तमाम इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। यहां पर से हम किसी भी इफेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं पिक्चर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इसे ड्रैग करके आप जितनी लोकेशन पर इस इफेक्ट को दिखाना चाह रहे हैं वो इस तरह से ऐड कर देंगे और डन का बटन प्रेस कर देंगे। इसी तरह से आप तमाम पिक्चर्स पर डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने ये इफेक्ट सिलेक्ट किया है और इसे डन का बटन प्रेस कर दिया। फिर नेक्स्ट पिक्चर को क्लिक करेंगे और दोबारा से 3D इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से हम ये इफेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। हर इफेक्ट को आप ड्रैग कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, वो डिपेंड करता है
अभी तो मैं आपको एक सिंपल बेसिक सी बना के दिखा रहा हूँ। डन को बटन को प्रेस करेंगे तो इसी तरह से ये, फिर लास्ट पिक्चर है हमारी, इसको क्लिक करें और इसके लिए चलिए बैलून सेलेक्ट कर लेते हैं और डन प्रेस कर दें। अच्छा, ये हमारी अब बेसिक सी वीडियो तकरीबन तैयार हो चुकी है। वैसे अगर आप इसको राइट क्लिक करें तो आप यहाँ पे तमाम फीचर्स भी देख सकते हैं, जैसे ड्यूरेशन है, अगर आप ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं कि हर पिक्चर को आप कितनी देर चाह रहे हैं कि वो डिस्प्ले हो उस वीडियो में, तो वो तमाम चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं या अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं जी, वो भी चाहें तो ऐड कर लेंगे। अभी हमने ये सीखना था कि हम पिक्चर्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे सामने एक पूरी वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है और उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे फिनिश। हम फिनिश वीडियो क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम फिनिश वीडियो क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि हम किस फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं। तो आप ये रिकमेंडेड फॉर्मेट ही सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपसे फाइल नेम पूछ लिया जाएगा। वो ऑलरेडी जो हमने वीडियो का नेम दिया था वही आ गया, तो हम उसी नेम से एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखें, ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। अब जैसे ये कंप्लीट होगी तो हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी है और ये हमारी उस वीडियो का डिस्प्ले है। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितने ही मिनिमम टाइम में अपनी पिक्चर्स को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप देखना चाहेंगे कि फाइल कहाँ पर सेव हुई है, तो हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। जैसे हम अगर किसी प्लेयर में चलाना चाहें, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे उस प्लेयर में भी इस तरह से प्ले हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप और क्या सीखना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहेंगे उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।